पंजाब यूनियन पंजाब ट्रक यूनियन के प्रेजिडेंट हैप्पी संधु साडे मौजूद ने। तुहानूं दस दईए कि बीते दिन भी इन्हां वल्लों एम पी हंसरा हंस के घर का घेराव किया गया सी। अज फिर एक बार यह एम पी हंसरा हंस के घर का घेराव करने लिए पहुंचे ने। की मुद्दा इस बारे गल करते हैं संधु साहब, की मुद्दा अज तुसीं पहलां भी किसानी जिहड़े बिल पास होए सन जिहनां नूं किसान विरोधी बिल कहा जा रहा उहदे खिलाफ तुसीं इक घर का इन्हां दा घेराव किया सी, अज फिर तुसीं आए हो इत्थे? अज असीं कोई घेराव कर नहीं आए, अज दा प्रोग्राम सी 2 बजे दा, सारा मीडिया आया होया सी। मैनूं उन्होंने कहा कि तुसीं अपना आगे पक्ष रख के जाओ, मैं उस काम वास्ते आया। साडे मानजोग डीसीपी साहब कमिश्नर साहब ने सारा कुछ जिहड़ा हैगा, सीपी साहब ने इस गल नूं जिहड़ा हैगा कि मिल बैठ के हल हो जाए। और जे हंस रहे हंस जी भी कह रहा कि मैं किसान दे नाल खड़ा, मैं किसान की गलबात करके मसला हल कराऊंगा। बाकी सारिया गल्लां छोटियां पै जांदियां जो उन्होंने बयान दिते उन्होंने लैके आए थे, किसानी के उत्ते आए थे, पर बाकी सारिया गल्लां छोटियां जे वो किसानों लई अगे ला के सारे नाल तुहानूं कहिंदा, मैं कहिंदा तो खुशी की गल नहीं होगी, धन्यवाद करांगे जी तुहानूं दा। इहा किहड़ा बयान सीगा जिसका तुसीं विरोध करन लई, जिसके बारे गल करन लई तुसीं हंस रहे हंस दे घर दे बाहर पहुंचे हो जी? विरोध यह सीगा कि जिस दिन असीं आए सी पिछले दिन प्रोटेस्ट किया, उन्होंने यह कहा कि साडी कोठी साड़ देनी सी, इदां दे शरारती लोग आए सी, मेरे बच्चों नूं नुकसान पहुँच सकता सी। सो असीं यह कहना सी कि असीं कोई गुंडे नहीं सी, असीं नकोदर हल्के दे किसान मजदूर वो लोग आए सी, इहो जी घटिया बयानबाजी नहीं करनी चाहीदी। दूजी गल आ कि मानजोग साडे एक्स मिनिस्टर समरा साहब अमरजीत सिंह जी समरा साहब मार्केट के जिहड़े चेयरमैन आ, उन्हां बारे कहा गया सी कि एक जिहड़े बीमार जिहा एक पोलीटिशियन आ जिहदे मेरा ख्याल है कि आर्थी नूं तीली लगन वाली आ, वो पंजाब नूं तीली ला रहा। सानू उस गल नूं लैके भी लोगों के विच रोस सी कि जे कोई चंगा काम कर रहा तो उन्हें चंगे की शलाघा करो। पार्टी वाइज उत्ते उठ के अं प्रोग्राम किया, काले झंडे लैके आए थे, किसानों के नाल आए थे, किसी सियासी पार्टी करके उन्होंने लैके असं आए थे। जे गल की जाए हंसा हंस की, तो हंसा हंस का कहना है कि जेकर किस जे मैं जे मेरा बस चले तो मैं किसानों के मोदी जी आमने सामने कर दिना, इन्हों की गल करा दिना, शायद जो मुद्दा उ ठल पै जाए। तो मैं तो कहना तो खुशी की गल ही कोई हो, इस तो वीड्डी गल ही कोई नहीं हो सकती। जो किसानी का मसला हल हो जाए अं तो हंस रहा हाँ जी धनवाद करना वागे, इन्हों सम्मान तो करा आगे जो योजा काम कुछ कर दा, बिल्कुल चंगी गल करना चाहिए, तकड़े हो करना चाहिए। साढ़े वालों भी किया गया कि जेकर इन्हों वालों हल नहीं कटे जाते, इन्हों का गल नहीं पहुँचाई जाती, तो नकोदर हल्के च इन्हों वड़न दिता जाएगा? देखो उस गल तो मैं अज भी कायम है भी जे इस कर उस गल का हल नहीं को कढ़िया जाता, जे हंसरा हंस जी अपना रोल वधिया प्ले कर, बाकी जो रब के हथ वास जो भी होना आ, क्योंकि कल हंसरा जी हंसते करना नहीं होना, पर जे वधिया रोल प्ले करते तो कोई इदा की गल नहीं जी। हाँ जे गलत रोल प्ले करेंगे दूजे पास करेंगे तो फिर आप स्टैंड अपने कायम है। जे गल की जाए तो अब एक बड़े इकट्ठ में इतने पहुंचना सी, अब तुम सिर्फ 5 से 7 बंदे लैके इतने पहुंचे हो, बाहर जरा पुलिस का बंदोबस्त भी इतने काफ़ी व्डा देखने को मिल रहा। उस सिर्फ मैं मीडिया करके मीडिया वाले ने कहा कि तुम 2 बजे का टाइम दिता, 2 बजे आके अपना पक्ष रख जाओ, उस करके आए। बाकी मैंबर ने तुम मना तो नहीं किया, कुछ इधर कुछ किया? कोई इदा का कोई मना वाली गल नहीं है, कोई इदा का कोई दिक्कत नहीं हैगी, प्रशासन पूरा साथ दे रहा, अब भी दे रहा, पहला भी दे रहा। क्या जा रहा है कि उन्होंने वालों के कह गए तो शांति में बह के कि मीटिंग हो सकती है, किस तरीके मीटिंग हो सकती है? यही गल हुई भी अब शाम तक कोई ना कोई मीटिंग करके तो हल कढ़िया जाऊगा। सो वो करके आप बहुत वधिया तरीके वधिया माहौल कहने, तुम भी कोशिश करो कि वधिया तरीके मीटिंग जी हंस रहे हाँ जी नाल लगन दे लैके जाए किसान जथेबंदियों, सानू तो गल मसला किसानों का हल हो जाए, इस तो खुशी की गल हो। लगातार किसान जथेबंदी अपना विरोध जिहड़ा जाहिर कर रहे हैं, कितने कई जगह पर ट्रैक्स उत्ते बैठे ने किसान, कई जगह पर किसानों ने सड़कें धरने दिते हुए ने, कई जगह तुसी ट्रक यूनियन के अपने धरने लैके इतने पहुँचे सके, जिहड़े कलाकार ने वो भी इत्थे किसानों का साथ दे रहे हैं, फिर भी केंद्र सरकार से हाले तक कोई इस दे उत्ते फैसला लैंदी नहीं नज़र आ रही। गूंगी बोली सरकार आ मोदी जी घमंड दे विच आ, मैनूं नहीं समझ लगती कि लोगों ने चुनिया नेता आ तो लोगों के काम कराऊंगे तो तुसी लोग अगे ले आओगे, तुसी देश नूं अगे ले जाना ना कि साडे देश नूं इहनूं आपां पिछे लैके जाना। सो मेरा ख्याल है कि वो घमंड दी निशानी आ, शायद रब मेहर पावे उन्हां नूं रब समत बख्शे कि वो किसानों की जिहड़ी गल आ जिन्हां दी जो मंगा हैगियां मिल बैठ के जिहड़ियां हल होण वालियां कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके हल हो सकदी आ, पर करनी चाहीदी। जिहड़े विरोधी ने उन्होंने यही कहना है कि हाथरस के एड्डा वड्डा मामला हो गया, एक लड़की का बलात्कार करके उसकी मौत हो जाती है, उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं चक्की जा रही, सिर्फ सियासी जिहड़ा है किसानों की वोट बटोरन के लिए सिर्फ किसानों का ही मुद्दा जिहड़ा सामने लैके आता जा रहा, उन्होंने तक गल नहीं पहुँच रही। देखो कोई भी गल हुंदी है जिहड़ी भी गल हुंदी है कुछ होया जो यूपी होया बहुत मंदभाग आया, नहीं होना चाहिए सी, उस लई सारे निंदिया भी करते हैं, पर अज गल उतों वड्डी गल बहुत वड्डी आ, वो भी जो होया पर अज किसानी की गल बहुत वड्डी आ, साडा पंजाब बर्बाद हो जूगा, साडा किसान बर्बाद हो जू, साडा का जवान नहीं रहूगा, पंजाब दे विच अग्गे जवानी बाहर जा रही है तो कोई इत्थे रहूगा नहीं, तैनूं पंजाब नूं करांगे खंडर नूं असीं की करांगे। सो ये पंजाबी जिहड़ी लड़ाई आ वो ज़्यादा वड्डी आ, बाकी गल्लां सारियां छोटियां।
ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਨ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੋਸ ਰਹੇਗਾ? ਮੇਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ, ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਪੀ ਸੰਧੂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣਗੇ, ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜੇਕਰ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਪਵਨ ਕਨੌਜੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਜਨ ਨਰੂਲਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਜਲੰਧਰ। ਆਲ ਵਰਲਡ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ 17 ਟਾਈਮ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਪੰਡਿਤ ਮੌਲਵੀ ਬੇਗਮ ਤਾਂਤਰਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਸੱਟਾ ਨੰਬਰ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਅਨਬਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਸਿਰਫ 31 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ। ਫ੍ਰੀ 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 ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੋਬਾਈਲ 84374-94-648, 84374-94-648। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮਸ।